दोस्तों कैसे आप सब। मैं हूं अभी और आप देख रहे हैं TRF रिव्यू। KDM का सबसे लेटेस्ट और नया ब्लूटूथ स्पीकर हमारे पास आ चुका है। आज हम इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग और रिव्यू करता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। काफी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, 70% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों जैसे कि आप इसका बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे KDM ब्रांड का लोगो दिया गया है, ब्लूटूथ स्पीकर का फोटो दिया गया है और बाकी सब डिटेल्स दी गई है। इसके मॉडल नंबर की बात करें तो इसका मॉडल नंबर है KDM A10। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बैक साइड भी सेम ही डिटेल्स दी गई है और यहाँ पे QR कोड दिया गया है जिसे आप स्कैन करके इसका KDM का 1 ईयर का वारंटी भी ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप इसका बॉक्स देख रहे हैं, अंदर और एक पैकिंग किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो यहाँ पे 3.5 mm जैक का एक केबल दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक चार्जिंग केबल दिया गया है जो USB 2 माइक्रो सी टाइप का जो केबल है वो दिया गया है इसके साथ। ये हमारा प्रोडक्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी हेवी स्पीकर है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे KDM ब्रांड का लोगो दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है KDM A10 1023, जैसे कि मैंने आपको इसका मॉडल नंबर बताया था। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में सारी डिटेल्स दी गई, ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, यहाँ पे USB पोर्ट दिया गया है, ऑक्स केबल का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको ब्लूटूथ स्टार्ट नहीं करना है तो अपने फोन से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। USB का भी एक स्लॉट दिया गया है और एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और ये स्पीकर के ग्रिल दिए गए हैं पीछे बैक साइड। काफी अच्छे तरीके से साउंड आने वाला है तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर साइड की बात करें तो ऊपर साइड वॉल्यूम प्लस माइनस का रॉकर दिया गया है वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए, और म्यूजिक को चेंज करने के लिए भी इसके अंदर ही ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे एक एंटीना दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर FM रेडियो या ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिया गया है क्या नहीं। फर्स्ट हम इसे ऑन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बैक साइड में जो बटन था उसे हमें प्रेस करना है। ऑन स्टार्ट हो चुका है। वेलकम टू KDM म्यूजिक वर्ल्ड। साउंड क्वालिटी का ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू कनेक्ट। चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लूटूथ मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आ चुका है KDM A10 1023। चलिए इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और पेयर कर लेते हैं। दोस्तों पेयरिंग हो चुका है तो चलिए इसका साउंड टेस्टिंग की भी बात कर लेते हैं, किस तरह से साउंड दिया है इसके अंदर। दोस्तों जैसे कि हमने कनेक्ट कर लिया है, हम म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है हमें इस वीडियो पे, तो चलिए हम थोड़े इंस्ट्रूमेंट ही आपको सुना देते हैं तो आपको भी पता लग जाएगा किस तरह से इसका साउंड क्वालिटी है। इसका वॉल्यूम प्लस कर देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम फुल हो चुका है इसका। जैसे कि आप ऊपर बटन देख सकते हैं, अगर आपको वॉल्यूम थोड़ी देर तक आपको बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा तभी ये माइनस होगा, और जब भी आपको प्लस करना है थोड़ी देर तक ये बटन दबा के रखना होगा तभी ये प्लस होगा। अगर नॉइस म्यूजिक आपको प्रीवियस और नेक्स्ट करना है तो आपको प्लस के बटन को ओनली फॉर 1 टाइम पुश करना है
जैसे कि आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट हो चुका है और आपको प्रीवियस करने के लिए वापस माइनस वाले बटन को वन बार पुश करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वापस ये प्रीवियस हो चुका है, तो ये काफी अच्छी बात है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफी अच्छा दिया गया और काफी हैवी स्पीकर है ये। मैंने इतने सारे KDM के ब्लूटूथ स्पीकर अनबॉक्सिंग किए पर ये मुझे सबसे हैवी लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफी अच्छा यूज किया गया है, टोटली प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है इसके अंदर। और यहाँ पे पकड़ने के लिए काफी अलग से एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप साइड में किसी टेबल पर रखते हो तो काफी यूनिक और काफी अच्छा लगने वाला है। स्टाइलिश लुक दिया गया है इसके स्पीकर को। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी KDM का लोगो दिया गया है। साउंड क्वालिटी के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स थी मैंने आपके साथ सारी शेयर करी है। अगर आपको यहाँ पे फोन अटैच करना है तो आप यहाँ पे फोन भी अटैच कर सकते हैं इस तरह से, तो ये काफी अच्छी बात है इसके। इस प्रोडक्ट रिगार्डिंग जो भी सारी डिटेल्स थी मैंने आपके साथ सारी शेयर करी है। आपको अगर इस प्रोडक्ट रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इसको परचेस करना चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा, वहां से आप परचेस करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच।